दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सीखिए एंजॉय कीजिए हम 1000 सालों बाद इंसानों का दिमाग कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग 1000 सालों बाद 1000 तो बहुत दूर है बहुत जल्दी सत्ययुग आएगा अब बहुत जल्दी सत्ययुग आएगा यस yes. और इसीलिए सत्ययुग तो बहुत प्यारा होगा हर सोल परफेक्ट होगी हर बॉडी परफेक्ट होगी इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड परफेक्ट वर्ल्ड था हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए अगर आप देखो ये वो भी समय है जहाँ बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं कि नहीं यू फील दैट और नो दैट्स ऑल सो दिस टाइम इज़ कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग जैसे रात के चार पाँच बजे तीन चार बजे का समय होता है ना कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है ये वो वाला समय चल रहा है प्लानट पे कुछ लोग सौर्य सौर्य मतलब अज्ञान की नींद में इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं एंड कुछ लोग अवेकनिंग जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण जागरण करो मतलब जागो अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग नए तरह से सोचो नए संस्कार नए कर्म डेस्टिनी बदलो सो so बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर द बिलियंस ऑफ द एंड द वर्ल्ड विल चेंज अगले पचास सालों के अंदर डेफिनेटली कॉन्ट्यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है और कुछ नहीं देखना और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो सिर्फ क्लाइमेट और प्लानट के कंडीशन को ही देख लो अगर आप यू की साइंटिफिक डेलीब्रेशन सुनेंगे वॉट दे आर सेग अबाउट द प्लानट पिछले साल इस साल का तो मैंने पिछले साल वन ऑफ द साइंटिस्ट प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लानट टू डाई वी हैव टेन ईयर्स ऐसा बोला उन्होंने

कंपैरिजन में तो हमेशा फ़र्क होगा तो अगर अभी हम एक टेबल बनाते हैं लोगों को डिनर पे बुलाते हैं एक जगह पर स्प्राउट्स है सैलड्स है और एक जगह पर समोसे हैं चाट पापड़ी है तो यू नो ना ज़्यादा लोग किस तरफ जाने वाले हैं पर इसका मतलब ये थोड़ी हम हेल्दी खाना रखना बंद कर देंगे हमें हेल्दी खाना खिलाना है तो इसीलिए हर बार पॉडकास्ट बनाने के टाइम फिगर्स नहीं सोचना अगर पाँच लोगों ने भी देख लिया ना और पांच लोग भी चेंज हो गए यू हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द चेंज सो मीडिया शुड नॉट बी ओनली फॉर आई विल गेट आउट ऑफ इट मीडिया शुड बी फॉर वट आई विल गिव फिगर्स मैटर नहीं करते पावर ऑफ चेंज मेरी मैसेज सिर्फ एक है एनवायरमेंट को लेकर भारत के लिए स्पेशली कि आपको लिटर नहीं करना चाहिए आपको कचरा कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए बस मेरे सिर्फ एक ही है है। ये ये मैसेज मैसेज है है बहुत सारे मैसेजेस हैं मेन सिंपल चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे प्लान शिफ्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे सो बी आर बाइंग फॉर हैप्पीनेस किसी को पूछो क्यों खरीद रहे हो अभी तो इतना सामान पड़ा है घर पे बोर हो गया नई ड्रेस चाहिए बोर हो गया नया वर्जन ऑफ द फोन चाहिए बोर हो गया अभी ये दो साल में अभी ये जूता और नहीं पहनना है वी आर बाइंग बिकॉज वी आर बोर्ड वी आर बाइंग बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी बोर हो रहे हैं शॉपिंग चलते हैं चाहिए नहीं भाई कबड्ड में जगह भी नहीं है और रखने के लिए सो वी आर बाइंग तो जब हम इतना खरीदते हैं ना तो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लानट के रिसोर्सेस आज हमने एक ड्रेस पहनी है इसके लिए बहुत पानी लगता है बनाने के लिए जी इसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं प्लान बनाने के लिए और फिर हमने थोड़े दिन पहना हमने कब बोर हो गया और हमने इसको छोड़ दिया और हम मार्केट जाके चार और ले आए सो so, क्योंकि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है ना आजकल वी आर अर्निंग अ लॉट नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं और हम एक प्राइस टैग देखते हैं बिकॉज वील ऑलवेज सी वदर आई कैन अफोर्ड दिस तो जब आप प्राइस टैग देखें तो सिर्फ अपने आप को ये बात बोलें आई कैन अफोर्ड दिस बट द प्लानट कैन नाट अफोर्ड दिस फिर आप नहीं खरीदेंगे सो so, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत चीज़ जो है सिंपलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना सिर्फ उतना जो ज़रूरी है वो खरीदो प्लानट के पास बहुत रिसोर्स हैं लेकिन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के रिसोर्स प्लानट के पास नहीं हैं तो सिर्फ अगर हम सब थोड़ा सा सादगी की जीवन की तरफ चले जाएं उतने कपड़े खरीदें जितनी ज़रूरत है खुश होने के लिए ना खरीदें और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना खरीदें प्लानिट के पास बहुत है सो इसीलिए इमोशनल हेल्थ से इन्वायरमेंटल हेल्थ कनेक्टेड है इफ़ यू आर कंटेंटेड इफ you're हैप्पी यू आर नॉट गोइंग टू for फॉर हैप्पीनेस ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोज भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टी आर एस क्लिप्स हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त